बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान बाबर है और मैं बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज का हमारा ये पब्लिक मैसेज वर्ल्ड हार्ट डे के लिहाज से एक मखसूस अहमियत का हामिल है। इसमें ख़ास तौर पर जो हम मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे अक्सर फैमिलीज में लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन में ये मसला कम से कम 10 से 20 साल वेस्टर्न ममालिक के मुकाबले में जल्दी हमारी पॉपुलेशन में आ रहा है। हार्ट डिजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्ट अटैक, और ये अक्सर लोगों को तब मसले का शिकार करता है जब उनके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये मसाइल हों और वो उनको तवज्जो ना दे पा रहे हों। हमारे अक्सर लोग एक तो टेस्ट सिर्फ उस सूरत में करवाते हैं जब कोई मसला होता है, जबकि तरक्या आफ्ता कौमों के अंदर ये टेस्ट आमतौर पर स्क्रीनिंग के तौर पर करवाए जाते हैं, और ऐसे लोगों में आमतौर पर ये टेस्ट अगर कोई चीज़ अलार्मिंग हद तक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या अर्ली डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हों तो उसका एक प्रॉपर तरीके से इलाज, जिसमें ना सिर्फ दवाई बल्कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक का मसला अक्सर लोग इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि उनको जो तकलीफ सीने में होती है उसको गैस या मैदे का मसला समझते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि हमें ये मैसेज स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि नाक से नाफ तक अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसकी उम्र 45 या 40 साल के आसपास हो, कई दफ़ा आज तो अर्ली 30s में लोग प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो ऐसी कैफियत में अगर उनको कोई भी दबाव सीने पे, गर्दन पे, जॉ में, शोल्डर्स में या आर्म्स में हो, या सांस चढ़ने का मसला, या कोई मतली की कैफियत हो, चक्कर आने का मसला, पसीना यकायक आ जाए, तो ऐसे लोगों को अपनी उस कैफियत के दौरान ECG करवानी चाहिए, जो कि आमतौर पर उस कैफियत में आपको ये जल्दी डायग्नोज करने में हेल्प करती है कि बाकी मसला दिल का है। अगर मसला खत्म होने के बाद ECG करवाई जाए तो कई दफ़ा ECG नॉर्मल होती है, और उसका ये मतलब नहीं कि दिल का मसला नहीं है। उस सूरत में ज़रूर मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि उसके ज़रूरी टेस्ट किए जा सके और उस चीज़ को फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करके आप उसको सही मौके पर ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरा मसला जो हार्ट अटैक के अलावा है वो स्ट्रोक का है, जिसमें कि आपका खुदा ना खास्ता दिमाग की खून की नाली के अंदर क्लॉट के आने से जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो जाता है, उसमें कई दफ़ा बोलने में दुश्वारी आती है, आँख से नज़र नहीं आता, या एक बाजू या टांग की कमजोरी होती है। इस कैफियत के अंदर भी आमतौर पर दवाइयाँ वही होती हैं जो को खून को पतला करती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, या शुगर का अगर मसला हो तो उसे कंट्रोल करती हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर इसके साथ डाइट और एक्सरसाइज के अंदर आप ऑयल की चिकनाई कम रखें, नमक कम रखें, तो आपकी दवाइयों की मकदार भी काफ़ी कम की जा सकती है। तीसरी चीज़ बच्चों के हवाले से, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से गला ख़राब होने की वजह से बच्चों को होता है, उनकी नाक बहती हो या गला ख़राब हो, बुखार, और उसको अगर आप सही तौर पर तवज्जो से एंटीबायोटिक का कोर्स करवा के कम्प्लीट, यानी कि 2-3 दिन की एंटीबायोटिक दी जाए क्योंकि उससे रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो एक मॉलेज से प्रॉपर इलाज करा के, सही टेस्ट करवा के उसका एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाए, ताकि उनको आने वाले सालों में रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से दिल के ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, और आमतौर पर किसी की ये तशखीस 18, 19 या 20, 25 साल के दौरान होती है, तो इतनी एडवांस कैफियत एकदम आपको पता चले कि दिल के ऑपरेशन की नौबत आ गई है, तो उसका सदबाब आप यंग एज में ही कर सकते हैं। तो इस मैसेज के साथ मैं चाहता हूँ कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।